बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन को समझें, एक यूनियन सेट दिया गया है। यूनियन मतलब यू बड़ा है, एक यू सेट दिया गया है, एक ए सेट दिया गया है और दूसरा बी सेट दिया गया है, तीसरा सी सेट दिया गया है। इस क्वेश्चन के चंद एक पार्ट हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें से तीन पार्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बाकी उसके तीन पार्ट और हैं वो आप लोग खुद कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। पहला जो पार्ट है बी का कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट कहते किसे? कम्प्लीमेंट वो सेट जो एक मुकम्मल सेट होता है, कंप्लीट सेट होता है, ठीक हो गया। उस सेट में से किसी सेट को उसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट सेट कहलाता है। अब हमारे पास बी का कंप्लीमेंट सेट लेते हैं, तो हमारे पास बी सेट है, बी कंप्लीमेंट इक्वल टू यू में से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब क्या करेंगे, माइनस यू हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10 तक माइनस करेंगे। बी की वैल्यू क्या हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमारे पास बी सेट है, उसमें से माइनस करते हैं यू में से, तो देखें जी जो इस सेट में एलिमेंट होंगे वो हमने आंसर में नहीं लिखने। शर्त ये है, एक तो ये शर्त होगी कि इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो हम लोगों ने फाइनल आंसर में नहीं लिखने। दूसरा ये है कि उसमें से इसमें से जो माइनस हो रहे होंगे वो उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब जो एक जैसे होंगे एलिमेंट उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे 1 मिलता जुलता 1 नहीं लिखेंगे, 2 भी मिलता जुलता नहीं लिखेंगे, 3 भी मिलता जुलता नहीं लिखेंगे, 4 भी है इसमें, 5 भी है इसमें, लेकिन इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है और ये 10 है। ये हमारे पास एक क्या आ गया, बी का कंप्लीमेंट आ गया, कंप्लीमेंट हो गया। अब ये देखें, यूनियन की तरफ चलते हैं। यूनियन हमारे पास क्या होता है कि दो सेट में जितने एलिमेंट होते हैं हम लोग उसको तरतीब में लिखते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और क्या है, 10 है। यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। यूनियन में हम लोगों ने तरतीब में लिखने हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इसमें, इन दोनों में 1 है, उसके बाद दोनों में कौन सा है, 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, 4 है, उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 6 भी है, 7 नहीं है, 7 हमारे पास दोनों सेट में नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने 7 नहीं लिखना। उसके बाद क्या है, 8 है, 8 लिखेंगे, उसके बाद 9 भी नहीं है तो 9 नहीं लिखेंगे, 10 है, 10 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। इसी तरीके से आप माइनस करते हैं, माइनस मैंने अभी आपको यू माइनस बी करके बताया, तो ए माइनस बी करते हैं, तो ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ये 10 है। यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5। इनकी यूनियन निकाल माइनस करना है, सॉरी माइनस करते हैं जी। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 इसके अंदर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 इधर भी है, इधर भी है, 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 इधर है, इधर नहीं है, तो 6 हमारे पास लिखेंगे। 8 हमारे पास इधर है, इधर नहीं है, इधर लिखेंगे। 10 इधर है, इधर लिखेंगे। अब जरा देखिए, हम लोगों ने इसमें से 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 इधर था, माइनस के बाद वाले सेट में था, इसलिए हम लोगों ने 1 नहीं लिखा। माइनस से इधर वाले सेट में नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने 1 नहीं लिखा। अब इसका एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वो कहता है वेरीफाई करना है हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन।
यूनियन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास क्या है कि दो सेट हमारे पास ऐसे होंगे, उन सेट में क्या करेंगे हम लोगों ने तरतीब में लिखना है। क्या लिखना है? तरतीब में लिखना है। तो हमारे पास यूनियन, हमारे पास कमोडिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब क्या है? दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? हमारे पास बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें ए यूनियन बी करते हैं। ए हमारे पास क्या है? वन है, टू है, थ्री है, फोर है एंड फाइव है यूनियन। बी हमारे पास फोर है, सिक्स है, एट है और ये टेन है। हम लोगों ने तरतीब में लिखने हैं। वन लिखेंगे, टू लिखेंगे, थ्री भी लिखेंगे, फोर भी लिखेंगे, फाइव भी है, सिक्स भी है, एट भी और टेन भी है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। बी यूनियन ए, बी हमारे पास क्या है? फोर, सिक्स, एट, टेन है यूनियन। वन है, टू है, थ्री और फोर एंड फाइव। तरतीब के लिहाज से लिखेंगे हम लोग, वन है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, फाइव भी है, सिक्स भी है, एट भी है और ये टेन भी है। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया? हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्या करती है? होल्ड करती है यूनियन में। अब इसी हवाले से हम लोगों ने क्या करना है? इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन वो चीज़ के दो सेट में कोई कॉमन, कॉमन मतलब जो हमारे पास मिलते जुलते हों, मिलते जुलते। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, वो करते हैं, अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कर लेता हूँ इसकी। ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास क्या है? वन है, टू है, थ्री है, फोर एंड फाइव। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? फोर है, सिक्स है, एट है और ये क्या है? टेन है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन करते हैं, मिलते जुलते देखते हैं। वन इसमें नहीं है तो ये वन नहीं लिखेंगे, टू भी नहीं है, टू भी नहीं लिखेंगे, फोर, थ्री भी नहीं है, थ्री भी नहीं लिखेंगे, फोर है, फोर इधर भी है, फोर इधर भी है, फोर क्या आ जाएगा? इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। आगे फाइव भी है, इधर फाइव नहीं है, तो हमारे पास और कोई एलिमेंट मिलता जुलता नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? फोर आ जाएगा। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे? कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है इंटरसेक्शन बी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव हमारे पास इंटरसेक्शन। देखें इंटरसेक्शन में मिलते जुलते एलिमेंट लिख रहे हैं। फोर इधर है, इधर भी फोर है, फोर लिख देंगे। सिक्स है इधर नहीं है, ना एट है, ना टेन है, और कोई एलिमेंट मिलता जुलता नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर। अब देखिए हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर क्या आ गए हैं? सेम आ गए हैं। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव फॉर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है? होल्ड करती है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव के हवाले से, प्रॉपर्टीज के हवाले से। अब हम देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है? वेरीफाई दी प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हमारे पास सबसे पहले एसोसिएटिव के बारे में पता होना चाहिए। एसोसिएटिव हमारे पास क्या होते हैं? तीन एलिमेंट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं किसी रियल नंबर में। अगर हम लोग उसके प्रॉपर्टी पहले चैप्टर के लिहाज से करते हैं कि अगर हम लोग उसके सम करें तो उसका जो दूसरा आंसर जो निकलेगा, जो सम निकलेगा, वो भी उस रियल नंबर में होल्ड करता होगा। सेम एज इट इज हमारे पास एसोसिएटिव ऑफ यूनियन हमारे पास है, इसमें हमारे पास तीन है। तो यूनियन के हवाले से मतलब अभी आपको बताया चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, तरतीब से लिखते हैं। मैं आपको आज प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे। एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव हमारे पास क्या है? तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, तीन सेट हो गए हैं। तीन सेट होने के बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास पहले पहले ए यूनियन बी मतलब क्या है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, उसके बाद यूनियन सी उसका आंसर और ए यूनियन
ब्रैकेट हमारे पास बी यूनियन सी, ये हमारे पास क्या है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, यूनियन के लिहाज से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखी हैं। इसी तरीके से इसके एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरीके से इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तीसरी वो क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यूनियन हमारे पास क्या है यूनियन, देखें पहले यूनियन आ रहा है उसके बाद ओवर दी ओवर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन आ रहा है, सेम एज इट इज क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या कर रहा है यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ए यूनियन बी। पहले अब उसने बी के साथ लिखा है यूनियन, फिर किसके साथ लिखेंगे सी के साथ लिखेंगे, किसके साथ लिखेंगे इंटरसेक्शन के साथ लिखेंगे, जो हम लोगों ने इसके इंटरसेक्शन लिखेंगे। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इन यूनियन सी, अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो कैसे करेंगे देखें, ए इंटरसेक्शन बी किसके लिहाज से करेंगे ओवर यूनियन, यूनियन के लिहाज से करेंगे तो यूनियन हमारे पास फिर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सी के लिहाज से हो जाएगा। ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हैं, इन चार प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन भी हैं। सपोज हम लोग अगर ये करना चाहें, यही अगर हम लोग एलिमेंट लेना चाहें तो उसके लिहाज से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो पेपर बनाने वाले की मर्जी है, कोई से भी एलिमेंट आप लोगों को सेट दे भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, लाजमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम लोग देखें, अब हमारे पास है एक डी मॉर्गन लॉ, ये एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है डी मॉर्गन, इसके हमारे पास दो लॉ हैं, वो कौन कौन से हैं, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल का क्या है कंप्लीमेंट है, इक्वल टू हमारे पास क्या है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, मतलब इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू उसकी राइट हैंड साइड लाजमी इक्वल आती है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा लॉ है वो कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं डी मॉर्गन लॉ के हवाले से भी हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे और बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।